बेला, हॉस्पिटल का बिल तो बहुत ज्यादा आने वाला होगा ना। यू गिव मी हॉस्पिटल का एड्रेस प्लीज। यू विल हैंडल इट। सब कुछ हैंडल हो चुका है माही जी, यू डोंट वरी। बेला, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए। अगर माँ को जरूरत पड़ेगी तो अब्रॉड लेके जाएंगे ना उनको। बाद में देख लेंगे। आप दिखाइए अपना हाथ पहले। अपना हाथ तो ठीक कर लीजिए। बेला, हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो। माहिर जी, कहा ना आपसे एक बार, बेला 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 लगा रखिए। पहले हाथ ठीक कीजिए अपना, उसके बाद कुछ होगा। लाइए यार, तुम हर बार अपनी अपनी चलाते हो, मेरी नहीं सुनती हो। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूंगी और सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे। आई बात समझ में? अभी चुपचाप बैठी और दवाई लिखवाई। अजीब धमकी है यार, धमकी देते रहते हो जब देखो तब। लाओ, मैं खोल देता हूँ। मैं कर रही हूँ। अरे लाओ, मैंने कहा ना मैं खोल दूँगी। अरे खोल क्या? अरे खोलेगा तू? ये क्या किया बेला? मैंने किया है? सब आपकी गलती है। बहस कर रहे थे आप, फूल फेंक रहे थे, फिर ऐसे जिद कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लाइए, हाथ है इसमें दवाई अभी। बेला, एक सेकेंड। सॉरी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। ये शर्ट पे दाग पड़ जाएगा ना? बेला, अभी अपना ओसीडी पना शुरू मत करना। ओसीडी की बात नहीं है माहिर जी, देखिए ना, बड़े बड़े ऐसे शर्ट पे, शायद आपको पता नहीं है, बहुत ज्यादा गिर गया है। पानी के नीचे जाएंगे ना, प्लीज बात समझो। आई आई आई, बात समझने की कोशिश। धो लीजिएगा ना। आई 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 ना प्लीज। अरे हाथ आराम से, चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाइए। बेला, बात समझने। बहस ही करते रहेंगे, कुछ नहीं है, दाग है। इधर आइए, इधर आइए। अरे मेरी बात तो सुनो बेला, वो वाला टैप। कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बहस नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मैंने कहा ना। अब बताओ मेरी क्या गलती है? मैं यही बताना चाह रहा था बेला कि वो वाले टैप के ऊपर वाला नोजल जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक इसमें पानी नहीं आएगा, ऊपर वाले शावर में पानी आ जाएगा। पर तुम मेरी तो मानने से रही। ओए बेला, क्या हुआ? ओ हेलो, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे 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 बेला, कुछ भी ठीक नहीं कर पाती हूँ माहिर जी, कुछ भी नहीं। सब गलत होता है मुझसे आपके लिए। मैं सिर्फ आपको चोट पहुंचाती हूँ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैं सिर्फ आपको हर्ट करती हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ माहिर जी? आप मुझसे कह क्यों नहीं देते कि चली जाओ मेरी जिंदगी से, जस्ट गेट लॉस्ट, दूर हो जाऊं मैं आपकी नजरों से? क्योंकि कुछ भी करूंगी ना वो ठीक नहीं होगा। आई जस्ट कांट डू अ सिंगल थिंग विच इज गुड फॉर यू, विच इज ओके फॉर यू। आई कांट डू अ सिंगल थिंग। यू वांट टू डू समथिंग विच इज गुड फॉर मी, राइट फॉर मी? कुछ सही करना चाहती हो तुम? ये सही है मेरे लिए। तुम मेरे लिए कुछ सही करना चाहती हो ना बेला, तो यही सही है। यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है? बस सब सही है। हमें वही करना चाहिए बेला जो हमारा दिल कहता है करने के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं यहां बहुत खुश हूं बेला। सॉरी माहिर जी, वो मैं सॉरी क्यों बेला? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? There you go, झगड़ा बंद हो गया। कम कम बैक टू स्लीप। तुम्हें नहीं लगता हमें जाके उनसे बात करनी चाहिए? कल सुबह भी बात कर सकते हैं सुमित। कल सुबह कैसे बात कर सकते हैं? एंडी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू?
सबसे पहले तो बेला और माहिर दोनों डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करते, उसके बाद यूवी बेला को माहिर के कमरे के बाहर छोड़ता है, और अब इतनी रात गए इतनी जोर जोर से उनके कमरे से आवाज आ रही झगड़ने की, कम ऑन एंडी, लेट्स डू समथिंग। फाइन, लेट्स गो, अभी चलते। जस्ट कांट लीव देम अलोन। अब तक सन्नाटा है, मतलब उस माहिर का काम तमाम हो गया होगा। तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम करती हो वो गलत ही हो जाता है? क्योंकि हो जाता है, लेकिन मैंने एक बात रियलाइज की है। क्या बिला? कि कभी कभी इंसान को कुछ गलतियां कर देनी चाहिए। मतलब? माहिर जी, मुझे ऐसा लगा आप हट जाएंगे, आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? मिला, जो चीज तुम्हें इतनी खुशी देना, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता, कभी नहीं। चले उस यूवी से, फेक यूवी से मुझे बात करनी है। ये रूही इतना समय क्यों लगा रही है? मैं खुद जाकर देखता हूं। नहीं तो वो खुद ही आ जाए। लगता है आ गया। यही रुकिए, मैं आती हूँ। आप बेला, यही रुकिए, मैं आती हूँ। हर बात में बेला बेला क्या बोलना शुरू हो जाते हैं। चुपचाप यहीं खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। एक्चुअली यूवी, बेला एंडी और मैं तुमसे, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, तुम इतनी भीगी हुई क्यों? वो तो तुम माहिर को पानी में डुबो डुबो कर मार रही थी, इसीलिए भीग गई हो ना। बोल तो रोहित, बता दो उसे, या नहीं मत बता, इसे सीधा दिखा दो उस माहिर की लाश। माँ वो बाथरूम में मैं पैर धोने गई थी तो गलती से शावर ऑन हो गया। अच्छा, वो एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने माहिर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। देखो बेला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पति पत्नी का मामला है, क्या ये हुआ क्या? माँ ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। क्या करती हो बेला? अच्छा माहिर कहाँ है? पता नहीं, यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ थे, मतलब अब नहीं है, बाहर गए होंगे ना, वो झगड़ा हो गया, वॉक करने पता शायद। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। आज तो मुझे तुम दोनों से बात करनी ही है। क्यों? नहीं मतलब कुछ हो गया, क्या बात करनी थी? तुम्हारे और यूवी के बारे में, ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है, दिस सिचुएशन विच इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अभी दूसरा कॉल, चलो अच्छा है कि माहिर की माँ ने कोई रोना धोना नहीं किया, उसके बाप से शुरुआत कर लेते हैं। डैड, क्या हुआ डैड? योर मॉम इज वेरी अपसेट। तुम दोनों भाइयों के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना, शीज डैड, डैड हम दोनों के भाई के बीच में कुछ नहीं हो रहा है। माहिर भाई का तो पता नहीं, बट आई एम नॉट लाइक दैट। यू बी लेट एट नाइट, नो मूड टू जोक। और तुम कैसे हो? वेरी वेल नो। ओके 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 डैड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप नाराज मत होइए। एंड काम करिए ना, व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू बिला?
तुम्हारी मॉम भी यही कह रही थी। And come on, mom. Mom से मैटर हैंडल हो पाएगा? Are you serious? वो कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है डैड, एंड यू यू द हेड ऑफ द हाउस, यू हैव दैट पावर, लोग आपके सुनते हैं। डैड प्लीज, आप फोर्सफुली माहिर भाई को बोलिए ना कि मेरे और बेला के बीच में से हट जाए, थिंग्स विल बी सॉर्टेड फॉरएवर। यू नो व्हाट, बिल्कुल अपने बाप पे गया। आई नो दैट। ओके चल, फॉर नाउ तुम लोग रूम में जाओ, मामला बहुत सेंसिटिव है, यू मस्ट नॉट बी सीन हियर। ओके गो नाउ इनटू योर रूम। All sorted? मैंने माँ को बोल दिया आप वॉक पे गए हैं। क्यों, उन्हें बता देती ना कि हम चार में खड़े थे और खिलखिला के हंस रहे थे दोनों एक साथ। अजीब लगता है माही जी, माँ क्या सोचेगी, 10 सवाल पूछेगी। अब ये कौन है? अब ये कौन है? यूवी तो नहीं आ? नहीं, माँ ही आई होंगी आपको गार्डन में ढूंढ के। इस पर एक काम करिए, आप जाइए। व्हाट? जो कहा वो करिए ना माहिर जी, और जाकर ये कह दीजिएगा कि बेला कहीं बाहर गई है। जाइए। नहीं नहीं, एक सेकंड, बाहर मत बोलिएगा उनको, कहिएगा कि घर पे ही है, कहीं किसी और कमरे में, मुझे बता के नहीं गई। जाइए। Are you crazy, बेला? हाँ, I am crazy. कि मैं जो कह रही हूँ वो करिए ना, जाइए जल्दी, जाइए जाइए। डैड, तुम्हारी मॉम आए थे बात करने? वो नहीं, ये तोड़ फोड़ कैसे? नथिंग डैड, वो एक्चुअली मेरे हाथ से स्लिप हो गए। हाथ फिसलने से इतना सब कुछ? कम ऑन माय डैड, डैड मेरे को बहुत नींद आ रही है, हम लोग कल बात। अरे मॉम भी रूम में लाऊं? डैड मॉम पता नहीं, मॉम नहीं। तुम इतने भीगे कैसे? डैड डैड प्लीज, मॉम माहिर, एवरीथिंग ओके? माहिर वी नीड टू हैव That, please. I'm really sorry. मेरे को ना इतना नींद आ रही है, let me sleep. हम लोग कल इस बारे में पूरी बात करते हैं, सारा discussion करते हैं. We'll talk in the morning, okay? Yeah. मुझे बुला के। Relax, it's me. Henry, तुम क्या क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे ऊपर कमरे में गई थी, तुम थे ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे माहिर के रूम में चल गया। तो फिर बात हुई बेला से? बेला वहाँ कहाँ थी? माहिर से बात हुई? अरे क्योंकि मुझे बेला ने बताया कि माहिर तो यहाँ है नहीं, वो बाहर क्या, और मैं जब से उसे यहाँ ढूंढ रही हूँ लेकिन यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा। माहिर अपने रूम में था, लेकिन बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। हाँ, बेला भी। ये रूम का सामान टूटा हुआ था। हाँ, वो मैंने भी देखा, और बेला ने मुझे ये बताया कि उसका हाथ फिसल गया था। नहीं, माहिर का हाथ फिसल? नहीं, बेला। What? What is happening here? What? So weird. माहिर पूरा भीगा हुआ था। बेला भी। What is happening? जरूर कुछ है जो ये लोग हम लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। It's just, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। This is all just so weird. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे। अगर ये बात यूवी तक पहुंच गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। It's not safe. मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो आके करने के हवाले। पहले करने वाले की छोड़ो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे मारना क्यों चाहता है। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है भाई? माहिर, बेला, माहिर, पता नहीं कहाँ है बेला। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। माहिर, बेला। ओह गॉड, दरवाजा लॉक नहीं किया था आपने? मेरे हिसाब से तो मैंने प्रॉपर बंद किया है। यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ गए होंगे ये लोग? कितने अजीब है, व्हाट दे बिहेविंग सो वियर्डली। What is that?
मिला, आराम से, आराम से। अरे मिला, आराम से मिला। बेला, माहिर कौन है अंदर? मैं। अरे बात तो कर ली तो इनसे। Just relax. They're busy ना, let them be. तो ऐसी फंसी आ रही तो क्या? फंसी आ। बात कर लूँगी। They're busy, let them be ना। I didn't. Just go. Let them alone. अरे क्या? It's okay. Let them be. कहा था ना आपसे, आप चुप रहिए। इसमें मेरी क्या और किसकी गलती है? पहले आपने दरवाजा नहीं बंद करना, फिर आपने मुंह नहीं बंद रखना। अच्छा खासा, अच्छा खासा मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, तुमने बाथ टब में गिरना था, गिरी तो गिरी, मुझे भी ले गिरी। ऊपर से माँ को बाहर आवाज लगा के बोल दिया कि तुम मेरे साथ हो। क्या सोच रहे होंगे बाहर वो? पक्का वो सोच रहे होंगे वी आर अप टू समथिंग। Aren't we up to something? बिल्कुल नहीं, बाहर आइए चुपचाप। अब तुम शोर मचा रही हो, मैं तो अभी भी चुपचाप हूँ। माहिर जी, आप चुपचाप बाहर आइए, चलिए। क्या है? देखिए देखिए, मेरा फोन क्यों उठा रही है? माहिर जी, पहले शार ऑन हो गया, उसके बाद मॉम डैड आ गए, मैं बाहर ही नहीं आ पाई। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। और अब ये मेरी हालत देखो, पागल भूत लग रही हूं मैं, जोकर लग रही हूं, सब हंसेंगे मेरे पे। सी, आई न्यू इट, सबसे पहले आप हंसेंगे मेरे ऊपर क्योंकि मैं वाकई में जोकर लग रही हूं। ओ हेलो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी एंगल से जोकर लग रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी भी एंगल से जोकर नहीं लग रही, क्योंकि तुम तो बस बस क्या, मेरी बेला लग रही हो। नहीं जी, मैं आती हूं। लगता है रूही ने अपना काम कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? सोइए चल के। मिला माही, सोइए, सो जाइए। अच्छा, तो रूही ने अब तक इसे मौत की नींद नहीं सुलाया है। विक्रांत, विक्रांत मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं क्या करती? पहले माँ आ गई कमरे में, उनके पीछे पीछे डैड आ गए, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मतलब? मतलब ये रूही कि मुझे सब समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, और तुम चाहो तो बड़ी आसानी से तुम्हें बता सकता हूँ। रूही, आज शाम तक मुझे गलतफहमी थी कि हो सकता है कि तुम उस माहिर को मार दो। तुम्हें बहुत से मौके मिले थे लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है कि मंदिर में तुम उसे मार दो लेकिन तुमने तब भी उसे नहीं मारा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि रावण दहन के समय इतने लोगों की भीड़ में बड़ी आसानी से तुम उसे मार सकते हो, किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, लेकिन तुमने तब भी उसे नहीं मारा। हाँ विक्रांत, क्योंकि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है रूही, तो अब मुझे शक होने लगा है रूही। शक? कैसा शक, किस बात का शक? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं कहीं से सच का पता तो नहीं चल गया? पर मुझे सब कुछ पता लग गया है रूही, और आज तक जिस बात का मुझे शक था अब वो यकीन में तब्दील हो गया। पहेलियां बुझाना बंद करो विक्रांत, क्या कहना चाहते हो साफ साफ को? तो साफ साफ ये कहूंगा कि तुम उस माहिर को मार नहीं सकते। ऐसा नहीं है विक्रांत।
मैं तुमसे शिकायत ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम बार बार उस माहिर को मार नहीं पा रही हो उसकी वजह क्या है। अकेला प्यार थोड़ी ना बचा सकता है, अभी तक जब उस माहिर ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया तब भी तुम उस बात का बदला नहीं पा रही हो, तो वजह कुछ और है। वजह है कि तुम खुद को इस घर की बहू समझ बैठी हो, तुमने अपने आप को बाकी 10 बंधनों में बांध दिया है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कैसा है, जानता हूँ कि तुम्हें तरस आ रहा होगा इन लोगों पर, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अब जो काम तुम पूरा नहीं कर पा रही हो उसे मैं पूरा कर दूंगा। तुम सब कुछ नहीं करोगे विक्रम, माहिर मेरा कसूरवार है, मेरा बदला है जो मैं खुद लूंगी बिना किसी की मदद के। अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना तो तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जान ले लूंगी माहिर की, तुम उसे कुछ मत करना। तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं मारूंगा मैं माहिर को, लेकिन रोही मैं इसका जीना मुश्किल कर दूंगा। क्या मतलब विक्रम? मतलब ये कि अब तुम देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है, मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा। खैर तुम जाओ आराम करो, फिक्र मत करो, अब आगे क्या होना है वो मैं खुद संभाल लूंगा। चलो तो मुझे नया नाटक करना होगा, कोई मेरे पीछे है। क्या प्रॉब्लम है माहिर जी? घर के अंदर भी मुझे 10 बार फोन करेंगे, इतनी नजर रखेंगे मुझ पे? जी नहीं, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी, मुझे परेशान मत करिए, रखिए फोन। बस माँ, हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना रोही, मैं ठीक हो जाऊंगी। भोलेनाथ की कृपा है माँ, लेकिन माँ अगर आप जिंदा थी तो आपने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी, बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हारे भले के लिए रोही, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है बेटा। और माँ आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपके बिना क्या करती? अच्छा आप मेरे पास आ गई। क्या विक्रांत ने कुछ? नहीं, उसने ना तो कुछ कहा ना उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे उसके इरादों की भनक लगे। वो बहुत चातिर है बेटा, बहुत खतरनाक है वो, अपने इरादों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। वो विक्रांत और वो विशाखा दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अब विशाखा तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ है वो। फिर वो जरूर कोई नया षड्यंत्र रच रही होगी रोही। बेटा मुझे पूरा यकीन है वो तुझे चोट देने के लिए फिर से तैयारी कर रही होगी। मेरी बात सुन रही? मेरी बात सुन, तू घर चली जा, तू माहिर के पास चली जा और अपना ख्याल रखना बेटा, मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, तू बस घर चली जाए इस वक्त। हाँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, भोलेनाथ की कृपा से आप मुझे दोबारा मिल गई, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती माँ। तू मुझे नहीं खोएगी, तू मुझे कभी नहीं खोएगी, मैं ठीक हूँ रोही, मैं ठीक हो जाऊंगी रोही, बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो सच है जो सही है वही जीतेगा, जीत उसी की होगी। और ये फैसला तुमने कब लिया युवराज? Oh come on mom, relax. Stop overreacting. कब लिया? कैसे लिया? क्यों लिया mom? Really? This is what I always wanted to do. Simple. Yubi, this is not right.
मेरा फैमिली हमसे पूछ लिया होता, उसने said something to us. Dad, पहले बात करें कुछ ज्यादा अचीव हो गया तो इस बार हो जाता. And I know, बेला और माहिर भाई के डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं. तुम्हें कैसे पता? Oh, come on, Dad. माहिर भाई और बेला का डिवोर्स हो चुका है, ये बात मुझे नहीं पता होगी. How wouldn't I know? बेला मुझसे कभी कुछ छुपाती है क्या? और वैसे भी मैं कल रात आपके रूम में गया था तो मुझे वहां पे पेपर्स मिले थे. ये पेपर्स मुझे आपके रूम से मिले. पर आई मस्ट टेल यू योगी, कल रात जब हम उनके रूम में गए थे, उनके रूम में, वेट अ सेकंड, लेट मी करेक्ट यू डैड, उनका रूम नहीं, माहिर भाई का रूम. वो रूम अभी तक बेला का नहीं हुआ है. एंड इन फैक्ट वो मुझे बता चुकी है कल रात की बात. एंड इट्स ऑल जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स. रियली? सीरियसली, आई मीन मैं आप दोनों के पास एक खुशी लेकर आया था, मुझे लगा था मेरी खुशी में आप दोनों भी खुश होंगे, बट लुक एट यू गाइस, अनबिलीवेबल. यूवी, कभी अपने भाई के बारे में सोचा करो यार. अरे भाई के बारे में सोचा है ना डैड, उसको काम से कितना प्यार है, उसे दे दो ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वो बिजी हो जाएगा उसमें, फिर कोई चीज की कहां याद रहेगी. एंड उसे बिजनेस से बहुत प्यार है, फर्स्ट लव, माय फर्स्ट लव. आई मीन लास्ट लव, बेला, आई लव बेला. ठीक है, फाइन. सुन प्लीज आंटी, इन्हें करने दो जो इन्हें करना है. मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ इन बच्चों से. वैसे ही मुझे लगता है कि बेला और माहिर की शादी को बचाने की मैं अकेले कोशिश कर रही हूँ, बेला और माहिर की शादी को बचाने के लिए, और उन दोनों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में. तभी तो कल रात हमें मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे और उसके बाद जाके उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए. सो यू नो व्हाट, आई एम फाइन विद व्हाटएवर यू गाइस डिसाइड, एज लॉन्ग एज कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा. आई लव यू मॉम, आई न्यू यू वुड अंडरस्टैंड मी कंप्लीटली, यू माय मॉम, आई लव यू. या ओके, खुश रहो यूवी. यू सी व्हाट यू डन, योर मॉम इज अपसेट अगेन. यार मैंने मॉम को अपसेट नहीं करा है. एंड यू नो मैं तो सिर्फ आप पे गया हूं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं ना. फाइन, डू व्हाट यू वांट, आई एम आल्सो ओके. अब तो मुझे बस एक ही काम करना है. ये हुई ना चाल, ये है चारों खाने चित कर देने वाली चाल. एंटी साइकिल का रूप बनाकर उस माहिर से इन तलाक के पेपरों पे साइन करवा लिया और ये बात किसी को पता भी नहीं चली. कैसी तरकीबें कैसे ला लेती हैं अपने दिमाग में, कैसे सोच लेती हैं आप कि किसे कब मारना है, कैसे मारना है, कब डसना है. कम से कम मुझे तो बता दिया होता. नहीं नहीं, मत, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल करने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ. मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि आप उसी के लायक हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि वो रूही उस माहिर को नहीं मार पाएगी. वो माहिर को मारने से पहले दो बार सोचेगी, इसीलिए आपने दूसरी तरकीब भी सोच ली जिसका तोड़ रूही के पास नहीं होगा. लेकिन सच कहूं तो थोड़ा बहुत शरीर सपेरे को भी जाता है ना ही वो रूही से शादी करने की जिद करता, उसे मजबूर करता इन तलाक के पेपर पे साइन करवाने के लिए, और ना ही आज ये हमारे काम के होते. तो मतलब दोनों की मंजूरी मिल गई है. अब मैं देखता हूं रूही कैसे नहीं मारती उस माहिर को. अमरी चौकली चाल है, इसका मतलब है हमारी चौकली चाल है, जिसमें रूही अपने पति को मारेगी भी, लेकिन वो विधवा नहीं होगी, वो सुहागन ही रहेगी. तुम कहाँ थी? माँ ठीक है ना? तुम माँ से मिलने गई थी ना, तो उन्हें कुछ जरूरत नहीं है. She is absolutely fine, माहिर जी. And I'm really sorry, मैं रात को नहीं लौट पाई.
बस मुझे यही मेक श्योर करना था कि वो ठीक है। और कुछ पता चला मतलब क्यूवी से तुम बात करने के लिए गई थी ना कल रात को तो कुछ? नहीं पर माहिर जी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे क्या हुआ ऐसे गिल्टी फेस क्यों बना लिया जैसे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए दोनों? नहीं नहीं, नहीं। हम तो बस बात कर रहे थे। गुड यानी तुम फ्री हो चलो आज मैं तुम्हें बिजी रखती हूँ। क्या मतलब? मतलब सिंपल है मुझे शॉपिंग जाना है और आरजे अपनी राइटिंग और उसमें सब में बिजी है सो ही कैन नॉट कम। मेरा शॉपिंग जाना बहुत जरूरी है क्योंकि शाम को यूवी भैया ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है आज। क्यों? वो मुझे पता नहीं है वो सरप्राइज है और वो ये सरप्राइज किसी को नहीं बता रहे हैं लेकिन मैं ये सबको बता रही हूँ कि मैं पार्टी में नए कपड़े पहनने वाली हूँ एंड यू हैव टू कम विद मी। बट आई नो बेला मुझे पता है वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स इनफैक्ट हम फ्रेंड्स भी नहीं है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सुहानी अपनी न्यू लाइफ में बिजी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड अनु कुहू चल मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू बिल। और हाँ हम शॉपिंग के बाद ना पार्लर जाने वाले हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए कम। युवराज वो बात जो तूने हम सबको बताई है इनको भी बता देना इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। हैंग ऑन फॉर अ सेकंड मॉम पहले इस पार्टी के चीफ गेस्ट को तो आने दो। देयर शी इज। सब डैड ने नहीं मैंने किया था। तुमने किया था? बेटा मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ लेकिन मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी समझ रहे हो? अरे चलो ना बेला सर? ये फूलों की सेज है बेला जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाई जिंदगी भर तुम कांटों पे चली ऊपर अब नहीं और आज के बाद जिंदगी भर ये खूबसूरत फूल रहे जो ना कभी चोट देंगे और ना कभी उदास करेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे भाई ग्रेट माहिर भाई आपका ही वेट कर रहा था मैं जस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू कम आओ ना बिल्कुल कम कम आराम से कम बेबी सिट आओ बाहर उकर यार आओ ना कम कम ऐसे क्या देख रहे हो आओ आजो आजो बैठो बैठो। Exactly बोलो आंटी ये सरप्राइज बेला और माहिर के लिए। एंड माहिर भाई ये आपके लिए। क्या है? योगी तू अपनी प्रॉपर्टीज के नाम कर रहा है मतलब अपनी सारी जायदाद तू इसको दे देगा और आदि प्रथम उसका क्या? हाँ ये आदि बोल ना
मॉम प्लीज आप चुप रहेंगी प्लीज। जस्ट इग्नोर बोलो आंटी, हैव अ लुक, आई एम श्योर यू विल लव इट। बेला शर्मा, विल यू मैरी मी? हाँ बेला, यूवी ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई दोबारा होगी और इस बार उसकी सगाई तुम्हारे साथ होगी। क्या हो रही? क्या मजाक बना रखा है? माँ उसे कुछ बोल क्यों नहीं रही? What is this nonsense? अरे relax bro, relax. Don't get hyper. मैं और बेला एक हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो what do you call, वो बीच बीच मजदार में छोड़ देंगे। अरे भाई हूं मैं आपका, छोटा भाई यू भी, ऐसा कैसे कर सकता हूं आपके साथ? हाँ, आपका घर तोड़ के अगर मैं अपना घर बसाऊंगा कितनी बदनामी होगी, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? हाँ, तेरा तो मुंह काला हो जाएगा यूवी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी मुंह काला, लोगों की बात कर रही हूं बेटा, लोग मुंह काला करेंगे। एंड भाई क्या यार, देखना सारे फोटोज गिरा दिया आपने, कितनी मुश्किल से मैंने लुक एट हर गॉर्जियस, सी दिस वन। अरे ये भाई, ये मैंने पर्सनली एक एक आपके लिए चूज करी है भाई, एंड सबका बायोडाटा मैंने निकाला सिर्फ आपके लिए। ओह ब्यूटीफुल, लुक गुड विद यू, हां यू आल्सो हैव अ लुक, देखो ना मैं हैव अ लुक। ये यूवी मार खाएगा मुझसे यार, देखो क्या कर रहा है ये। सीरियसली सीरियसली बेला, आई नो आई मेस्ड अप द फर्स्ट टाइम, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारा यूवी बिल्कुल बदल चुका है। आई लव यू एंड आई नो यू लव मी टू। जस्ट शट अप, ये हो क्या रहा है? कोई से कुछ कह क्यों नहीं रहा, मजाक बना रखा है हमारे घर का? यू गेट अप एंड लिसन टू मी, कान खोलकर मेरी बात सुनो। जब तुम न्यूजीलैंड से वापस आते थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हारे और बेला के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा था मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कोई गुंजाइश है, कोई डाउट है, लेकिन आप नहीं है। आज कोई डाउट नहीं है ब्रो, मी एंड बेला मेंट टू बी टुगेदर, इसलिए हम शादी करने वाले। जस्ट शट अप यूवी, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। हां बेटा नॉनसेंस, देख अभी ना बेला की शादी माहिर से हो रखी है ना, तो देर से शादी कैसे कर सकती है? मतलब टू टू पीपल के साथ शादी नहीं हो सकती ना, क्यों समझती? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो आदमियों के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है? ऐसा मेंस लोगों के साथ होता है, लेडीज के साथ कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वेट अ सेकंड, आई विल करेक्ट यू, ये दोनों शादीशुदा नहीं है, दे आर नॉट मैरिड। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना यूवी, तो रो आज मैं अपना मुंह, आज मैं आपका मुंह बंद करूंगा। आई हैव समथिंग फॉर यू, सी दिस डिवोर्स पेपर्स। जिस पे माहिर और बेला के सिग्नेचर्स हैं, देखो देखो Really, माहिर? पहले तो मुझे ये लगता था कि सिर्फ युवराज ही बहुत ड्रामेबाज है, लेकिन तुम और बेला भी कुछ कम नहीं हो। गौर से देखो इन पेपर्स को, साइन तुम दोनों के ही है ना? हाँ? मैं स्वेयर आई डोंट नो अबाउट दिस। क्या डोंट डोंट ब्रो? ओके, सो आप ही कहना चाह रहे हो कि ये जो साइन आपने करे हैं ये आपके नहीं, ये झूठे हैं, जाली। हाँ? साइन तुम मेरे ये? कब साइन किया आपने पेपर्स? मैंने किए नहीं बेला। उसे छोड़ो बेला, तुमने कब साइन किए? वो आप जानते हैं माहिर जी, शान के सामने आपकी जान बचाने के लिए उस दिन आपको याद है ना, लेकिन मैंने तब किए थे। हाँ बेला, वो तो तब की बात है ना, तो आप इस चीज को, अरे तब अब क्या लगा रखा है यार? हाँ फैक्ट देखो ना, डिवोर्स पेपर जिस पे आप दोनों के साइन हो चुके हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप ये किस बात की आर्गुमेंट कर रहे हैं, और वैसे भी आपकी शादी कौन से प्यार की शादी थी? हाँ एंड डोंट माइंड मी सेइंग ब्रो,
तुम्हारी शादी बेला से इसलिए हुई थी क्योंकि मैं मंडप छोड़ के गया था। जब से मैं न्यूजीलैंड से वापस आया हूँ, हमेशा मैंने आपको एरट लगाते हुए देखा है कि मेरी बेला, मेरा प्यार, मेरी वाइफ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी 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 इनफ ऑफ मेरी मेरी। यार कभी बेला को तो ये कहते हुए सुना नहीं, मेरा माहिर, मेरा हस्बैंड, मेरी लाइफ, मेरा प्यार। व्हाट, तो आप एक किस गलतफहमी में जी रहे हैं? बेला ने कब आपको ऐसा बोला? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बेला ने कभी आपको ऐसा बोला कि वो आपसे प्यार करती है या वो आपको अपना मानती है। कभी हुआ ऐसा? स्पीक अप। हाँ, मैंने भी नहीं सुना। यस गाइस, इस बात में मैं यूवी भैया का सपोर्ट करती हूँ, उनकी इस बात में पॉइंट है। इट्स ट्रू, ये रिश्ता माहिर की तरफ से है, बेला की तरफ से बिल्कुल नहीं है। That's true, isn't it, Bella? तुम अपनी मर्जी से ये रिश्ता तोड़ के मुझसे शादी करने वाली हो, है ना? बोलो ना बेला, तुम करोगी ना मुझसे शादी? और इसी तरह तुम उस माहिर को मारकर विधवा भी नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेरी दुल्हन जो बनोगी रूही। What the hell is going on? Bella, you will marry me, right? है ना? देखो मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और मुझे भरोसा है कि तुम मुझसे शादी करोगे। क्या हो बेला, कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है बेला, मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। ऑलराइट, बेला को क्या चाहिए वो उसे खुद बोलने दो। जुबान दी है भगवान ने उसे, सो लेट हर टॉक। अरे वाह बेला, बेटा तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो दो दो लड़के तुम्हारे आजू बाजू, मतलब दो दो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं पता क्या बोलती हूँ, तुम ना अकड़ बकड़ बम्बे वो करके ना एक को चुन लो, एक रहेगा। बोलो, जिसका मत नहीं। अरे समझाने तो इसे पता भी चलेगा, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे बच्चे मेरे नहीं। योगी, बेला का हाथ छोड़ो। आप छोड़िए माहिर जी।